अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे और गेट के ठीक सामने बैठ गए। ये लोग अपने साथ श्री राम की एक बड़ी तस्वीर लेकर पहुंचे थे। इन कार्यकर्ताओं ने पहले तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए नारेबाजी की और फिर सब महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में ज्योत लेकर भगवान श्री राम की आरती शुरू कर दी। ये कार्यकर्ता घंटे घड़ियाल भी बजाते रहे और वहीं पर राम आरती हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा था। लगभग आधे घंटे तक चली महाआरती के बाद कार्यकर्ताओं ने देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रोहन ने कहा कि इस आरती के माध्यम से उनका संगठन देश में बैठी सरकार के कान खोलना चाहती है, क्योंकि 4.5 साल के बाद भी मोदी सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाई है। हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद जिलाधिकारी महोदय के द्वार पर बैठकर भगवान राम का चित्र लगाकर घंटे घड़ियाल शंख नाद बजाकर देश की सत्ता में बैठे मदमस्तों की आंख खोलने के लिए भगवान राम की भव्य आरती करी और आरती कर देश के सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी आंख खुलवाने का काम करा है। मोदी जी इस देश के अंदर भगवान राम का मंदिर निर्माण करने के लिए आए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर सत्ता में आऊंगा, पूर्ण बहुमत आएगा, तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए अध्यादेश लोकसभा में पास कर लेकर आऊंगा। इन 4.5 वर्षों में मोदी जी एक बार भी अयोध्या नहीं गए। उन्होंने इन 4.5 वर्षों में 2 लाख स्क्वायर फीट में अपना भाजपा का कार्यालय तो बना लिया, 5 स्टार 7 स्टार कार्यालय बना लिया, पर भगवान राम के लिए एक समय नहीं निकाला। आज राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है जिसमें हमने मांग करी है कि देश के अंदर शीघ्र राम मंदिर के लिए अध्यादेश आए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, अयोध्या में एक भी नवीन मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए और पूरे भारत में किसी भी कीमत पर एक भी बाबर की नाम की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। इस मांग को लेकर और घंटे घड़ियाल नाद बजाकर डीएम महोदय की आंख खोली है ताकि वो देश की सरकार की आंख खोल सके।